Hello, in this video we will discuss about percentile and percentile rank. इस वीडियो में परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक के बारे में बात करेंगे. हैज़ द स्टूडेंट गॉट द हाइस्ट स्कोर इन हिस क्लास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ हिस क्लास हैव गॉट मोर देन हिज स्कोर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड लेस देन हिम? कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि इस स्टूडेंट के कितने मार्क स्कोर आया है इस क्लास में, और कितने स्टूडेंट्स का इससे ज़्यादा स्कोर आया है, या कितने स्टूडेंट्स का स्कोर इससे कम आया है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इससे कम आए हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस कंसर्न विद द रेलिवेंट पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू ए रेफरेंस ग्रुप मे बी आंसर्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल्स एंड परसेंटाइल रैंक. इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक के द्वारा दिए जा सकते हैं. अब हम समझते हैं परसेंटाइल शब्द का अर्थ. मीनिंग ऑफ द टर्म परसेंटाइल. परसेंटाइल इज नथिंग बट ए सॉर्ट ऑफ मेजर यूज टू इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए सिंगल आइटम और एन इंडिविजुअल विद रेफरेंस टू द ग्रुप टू विच द आइटम और इंडिविजुअल बिलोंग्स. इन अदर वर्ड्स इट इज़ यूज टू टेल द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए गिवन स्कोर अमंग अदर स्कोर्स. ये जो परसेंटाइल है एक रिलेटिव पोजिशन बताता है एक स्कोर की अमंग अदर स्कोर्स की तुलना में. Some of such other measures are median, quartiles and deciles. The concept of percentile may be well understood with the help of the concept of median. Median is defined as a point on the score scale below or which 50% cases lie. Median को वो point कहते हैं जहाँ 50% cases. उसकी तरह से हमने जैसे बात की थी median की, तो we can see that median cuts the scores of the series into two equal parts. जो स्कोर्स ऑफ सीरीज है मीडियन जो होता है मिड पॉइंट पर, उनको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इट इज़ ए स्कोर बिलो और अबव विच 50% केसेस लाइज. ये बीच का पॉइंट है, 50% केसेस इसके बिलो लाई करते हो, 50% केसेस लाई अबव इट. प्रोसीडिंग ऑन द सेम लाइन्स द सीरीज ऑफ ऑब्टेंड स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिवाइडेड इंटू मोर देन इक्वल पार्ट्स. इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है. जैसे कि क्वार्टाइल के केस में इन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डेसाइल के केस में इन्हें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और परसेंटाइल या सेंटाइल्स के केस में इन्हें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. इन दिस वे द मेजर्स लाइक क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स ऑल इंडिकेट सम फिक्स्ड पॉइंट्स लाइक मीडियन ऑन द स्कोर स्केल बिलो विच ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ केसेस लाई. In the case of percentiles, the score series is divided into 100 equal parts and each point is referred to as centile or percentile. Hence, the number of percentiles for a given score series or frequency distribution may range from 1 to 100, that is first percentile to 100th percentile. Now, we will discuss the definition also. A percentile may be defined as a point on the score scale below which a given percent of the cases lie. Percentile वो point होता है score scale पे जिससे हम ये बताते हैं कि कितने percent cases उसके below lie करते हैं. Defined in this way, first percentile written as P1, first percentile को हम P1 से denote करते हैं. It means a score point in the given series or distribution below which 1% cases lie and above which 19% cases lie. P1 यानी कि first percentile का मतलब है कि इसके below 1% cases होते हैं और इसके above होते हैं 99% cases. Going further, the 15th percentile denoted by P15 will indicate that score point below which 15% of the cases lie. P15 यानी कि 15 परसेंटाइल का मतलब है कि 15% केसेस इसके बिलो लाई करते हैं, यानी कि 85% केसेस इसके अबव लाई करते हैं. सिमिलरली 70th परसेंटाइल इट इज़ डिनोटेड बाय P70 विल रिवील ए स्कोर पॉइंट इन ए गिवन सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच द स्कोर ऑफ 70% एंड अबव विच 30% ऑफ द ग्रुप फॉल. P70 का मतलब है 70th परसेंटाइल, इसका मतलब हुआ कि 70% केसेस इसके नीचे लाई करते हैं और 30% केसेस इसके अबव लाई करते हैं. डिफाइनिंग क्वार्टाइल एंड डिसाइल्स. क्वार्टाइल और डिसाइल्स की भी हम बात करते हैं. क्वार्टाइल्स का मतलब है फॉर ए गिवन स्कोर सीरीज और ए डिस्ट्रीब्यूशन में भी 4 इन नंबर. क्वार्टाइल का मतलब होता है जो सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. दीज आर नेम्ड एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टाइल्स. डिसाइल्स का मतलब होता है जो सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. डिसाइल्स आर सिमिलरली 10 इन नंबर एंड आर डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट टू 10th डिसाइल. दीज क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स में बी डिफाइंड एज ऑन द सेम लाइन्स एंड एज द मीडियन एंड परसेंटाइल्स इन द फॉलोइंग वेज.
A quartile is the point on the score scale below which a given quarter of the cases lie, or decile is the point on the score scale below which a given decile of the cases lie. अब हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं. हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स. द नंबर फॉर द फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स क्लोजली रिसेम्बल द फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मीडियन. जो भी हम क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जो हम मीडियन कैलकुलेट करने में करते हैं. मीडियन कैलकुलेट करने में जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है एम डी इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई एज मे बी सीन बिलो. फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे. क्यू वन का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल. क्यू वन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई फोर माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई. सेकेंड क्वार्टाइल विच इज डिपिक्टेड बाई क्यू टू इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई. थर्ड क्वार्टाइल इज क्यू थ्री इज इक्वल टू एल प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई. फर्स्ट डिसाइल इज डिनोटेड बाई डी वन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टी माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई. फिफ्थ डिसाइल विच इज डिनोटेड बाई डी फाइव इज इक्वल टू एल प्लस फाइव एन बाई टेन माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई विच इज फर्दर इक्वल टू एल प्लस कैपिटल एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई. फर्स्ट परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एज पी वन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू एल प्लस एन बाई हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई. टेंथ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एज पी टेन इज इक्वल टू एल प्लस टेन एन अपॉन हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई विच इज फर्दर इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इन टू आई. ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एज पी ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एल प्लस ट्वेंटी फाइव एन बाई एफ बाई हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई विच इज फर्दर इक्वल टू एल प्लस एन बाई फोर माइनस एफ बाई एफ इन टू आई. फिफ्टीन परसेंटाइल इज इक्वल टू पी फिफ्टी इज इक्वल टू एल प्लस फिफ्टी एन बाई हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई विच इज फर्दर इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इन टू आई. सेवेंटी फाइव परसेंटाइल विच इज डिनोटेड बाई पी सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव एल प्लस सेवेंटी फाइव एन बाई हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई विच इज फर्दर इक्वल टू एल प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस एफ बाई एफ इन टू आई. अब जो रिलेशनशिप है हम इनकी बात करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं जो मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के बीच में. द रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग अमंग द मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स में बी इजिली कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला. पी टेन इज इक्वल टू डी वन इट मीन्स टेंथ परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट डिसाइल. सेकेंड पी सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू क्यू वन इट मीन्स सेवेंटी फिफ्थ परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल सॉरी क्यू थ्री. पी सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू क्यू थ्री. पी ट्वेंटी फाइव इट मीन्स ट्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल इज इक्वल टू क्यू वन यानी इट और क्यू फर्स्ट क्वार्टाइल. एंड पी फिफ्टी इट मीन्स फिफ्टी एथ परसेंटाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डेसाइल इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन. पी फिफ्टी इज इक्वल टू डी फाइव इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू एम डी. आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे फॉर्मूलेस और ये जो रिलेशनशिप है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इट मे ऑल्सो भी जनरलाइज दैट द फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल में भी रिटर्न एस. अब हम ये समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है जो परसेंटाइल को कैलकुलेट करने में इसका होता है पी इज इक्वल टू एल प्लस पी टू द पावर कैपिटल एन बाई हंड्रेड माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इन टू आई. अब इनको सिम्बल्स को भी हम समझ लेते हैं. कैपिटल एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास, द क्लास इन विच द गिवन परसेंटाइल मे बी सपोज टू लाई. कैपिटल एन इज टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. कैपिटल एफ इज टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिलो द परसेंटाइल क्लास. स्मॉल एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास. स्मॉल आई इज साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. एंड स्मॉल पी इज नंबर ऑफ द परसेंटाइल विच हैज़ टू बी कंप्यूटेड. अभी हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस इलस्ट्रेट द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल बाई टेकिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे गया है, स्कोर्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं. तो फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्यू प्लस एल प्लस एन बाई फोर बाई माइनस एफ बाई एफ इन टू आई. अब एन बाई फोर हम निकालेंगे, टोटल जो है फ्रीक्वेंसी इसका 24 है तो 24 बाई फोर इज इक्वल टू 6. अब एडिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर बिलो तो हम देख रहे हैं कि वी सी दैट द अप टू द अपर लिमिट ऑफ क्लास 10 टू 19 में आ रही है 5 केसेस लाई. हैंस 20 टू 29 इज द केस वेयर द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉल्स.
इसकी हम लोअर लिमिट ले लेंगे, ये लिमिट ले लेंगे द लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास क्लास इन विच द गिवन परसेंटाइल मे बी सपोज टू लाई. सो वी विल टेक 19.5, 19.5 प्लस 6 माइनस 5, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. पी इंटू एन बाई 100 माइनस एफ बाई एफ इंटू आई, 6 माइनस 5 बाई 4, एन एन बाई 4, 6 आ गया हमारे पास, माइनस 5 क्योंकि जो बिलो हैं वो 5 हैं, फिर 4 इंटू क्लास इंटरवल हम लेंगे, इसकी जो इंटरवल था 10, तो इसमें हमारे पास आ गया 19.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 22. सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल के लिए वी विल यूज़ द फॉर्मूला Q3 इज इक्वल टू एल प्लस 3 इंटू एन बाई 4 माइनस एफ बाई एफ इंटू आई, 3n by 4 हमारे पास आ गया 18. तो एडिंग फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम बिलो वी सी दैट अप टू द अपर लिमिट ऑफ क्लास 18 हमारे पास आ रहा है. क्लास लिमिट 40 टू 49 में हम काउंट करेंगे, 2 प्लस 3 इज 5, 4 9, 5 14, 14 तो हमारे 14 3 17, तो ये 40 टू 49 का हम लेंगे. 49.5 प्लस 18 माइनस 17 बाई 2 प्लस 10 इज 54.5. सिमिलरली फर्स्ट डिसाइल को भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके D1 इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 10 माइनस एफ बाई एफ इंटू आई, एन बाई 10 हमारे पास आ गया 2.4. तो D1 को हम देखेंगे 2.4 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये 10 टू 19 में. तो इसके बाद हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9.5 प्लस 2.4 माइनस 2 बाई 3 इंटू 10, तो फर्दर आ गया हमारे पास 2.5. अब मान लीजिए हम 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे एल प्लस 25 एन बाई 100 माइनस एफ अपॉन 4. अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें इसमें अप्लाई करते हैं फिर से फॉर्मूला, 19.5 आ गया 25th परसेंटाइल 25 बाई एन बाई माइनस इंटू 24 बाई 100, एन है 24 क्योंकि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी इसका टोटल, माइनस क्लास एफ हमारे पास आ गया 5 इंटू क्लास इंटरवल है 10 का अपॉन 4 स्मॉल फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास आ गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट परसेंटाइल रैंक. अब हम परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं. देर इज़ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट रमेश ऑफ द क्लास अटेन्स ए स्कोर ऑफ 60 ऑन द अचीवमेंट टेस्ट. There are 40 other students whose scores fall below the score 70, below the score 60. एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट है रमेश जिसने 60 का स्कोर किया है एक अचीवमेंट टेस्ट में, और 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 60 से कम है. इन अदर वर्ड्स 40 आउट ऑफ 50, इट मीन्स 80% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई बिलो द स्कोर ऑफ 60. इसका मतलब 80% स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर रमेश के स्कोर से कम है. देयरफॉर 60 विल बी टर्म्ड एज द 80th परसेंटाइल ऑफ द गिवन डाटा रिगार्डिंग अचीवमेंट स्कोर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि 60 80th परसेंटाइल है. प्रोसीडिंग फर्दर इट कैन बी सीन दैट रमेश एंजॉयज रिलेटिवली बेटर पोजीशन इन हिज क्लास इन टर्म्स ऑफ द अचीवमेंट स्कोर. द एग्जैक्ट पोजीशन दैट ही एंजॉयज इन रिलेशन टू द अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास मे बी एसर्टेन्ड बाय द फैक्ट द स्कोर्स ऑफ 40 आउट ऑफ 50 और 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल बिलो हिज स्कोर. ही इज़ बेटर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. तो अब हम ये कह सकते हैं कि रमेश का स्कोर है वो 80% स्टूडेंट्स जो क्लास में उनसे बेटर स्कोर आया है. दिस कंक्लूजन कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज बाई सेइंग दैट द अचीवमेंट स्कोर ऑफ 60 अटेंड बाई रमेश एज ए परसेंटाइल रैंक ऑफ 80. अब स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं जो स्टूडेंट रमेश है उसने जो अचीवमेंट स्कोर किया है 60 का, वो उसका परसेंटाइल रैंक आया है 80, एंड ही इज 80% रैंक, ही इज बेटर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब डेफिनेशन की बात करते हैं परसेंटाइल रैंक की. द टर्म परसेंटाइल रैंक मे बी डिफाइंड एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस लाइंग बिलो द गिवन स्कोर. जो टोटल नंबर ऑफ केसेस उस स्कोर से नीचे आते हैं उसे हम कहते हैं परसेंटाइल रैंक. कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक. परसेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर परसेंटाइल से स्मॉल पी
gives us a point on the scale of measurement, that is the score below which p percent of the cases lie. Now in case, if we are provided with a specific score on the scale of measurement required to find out the percentage of the cases lying below that score, we are supposed to compute the percentile rank of the specific score. The task of computation of percentile rank thus requires the computation of the rank or the position of the individual on a scale of 100 decided on the basis of his score. It may be carried out in some of the following ways. From ungrouped data, in case of ungrouped data, the data is first arranged in an order, descending order preferably, and each score is provided a rank or a relative position in order of merit. Then the following formula is employed for the computation of the percentile rank. Percentile rank calculate करने के लिए हम ये formula apply करते हैं. PR is equal to 100 minus 100 R minus 50 upon N, where N is the total number of individuals in the group, R is the rank position of the score of an individual whose percentile rank is to be determined. Let us illustrate the use of this formula with the help of following example. अब हम परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हैं इस एग्जांपल के जरिए. यहाँ हमारे पास स्कोर्स दिए गए हैं 20 स्टूडेंट्स के एक अचीवमेंट टेस्ट में, तो हमें परसेंटाइल रैंक फाइंड करना है जिसका स्कोर है 17. तो सबसे पहले हम जो स्कोर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और रैंक दी जाएगी. अब हम देख रहे हैं जो 17 स्कोर है वो आ रहा है, उसकी रैंक ऑर्डर आ रहा है 14. तो वी कैन से दैट द रैंक ऑफ द डिजायर्ड स्कोर इज 17 इज 14. एंड एन इज गिवन एज एन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी है 20. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 अपॉन एन. सो पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 14 इन 100 इंटू 14 माइनस 50 अपॉन 20 इंटू 100, तो विच इज इक्वल टू 100 माइनस 67.5 और इज इक्वल टू 32.5 और 32. तो हम ये कह सकते हैं परसेंटाइल रैंक जो आई है स्कोर 17 की वो है 32. अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं. इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट रैंक्स 35 आउट ऑफ 150 कैंडिडेट्स, फाइंड आउट हिज परसेंटाइल रैंक. एक एंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट का रैंक आया है 35, 150 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, तो उसकी परसेंटाइल रैंक क्या हुई. अप्लाइंग द सेम फार्मूला वी कैन सी परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला पता है. पी आर इज इक्वल टू 100 माइनस 100 आर माइनस 50 बाई एन. तो आर हमें दिया हुआ है 35 और एन दिया हुआ है 150. तो हम ये अप्लाई करेंगे 100 माइनस 100 इंटू 35 माइनस 50 अपॉन 150 इज इक्वल टू 100 माइनस 23 विच कम्स आउट टू बी 77. सो द परसेंटाइल रैंक इज 77. Now we will talk about the utility of percentile and percentile rank. की क्या utility होती है. Percentiles and percentile ranks may be used in the areas of education, psychology and sociology for the following purposes. First, to indicate the relative position of an individual with respect to some attribute, achievement score, presence of some personality trait, etc. in his own group. Second, for comparison, that is to compare two or more individual students belonging to two or more sections, classes or schools. B, the performance of two or more classes or schools. And C, the performance of an individual if tested under two or more different testing conditions in terms of possession of some other attributes or traits. And now we will discuss the summary. Measurements in the field of education, psychology and sociology do not have an absolute zero. सोशियोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी के फील्ड में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है. ये सब बिहेवियरल साइंसेज हैं. लाइक दोस फाउंड इन नेचुरल साइंसेज, वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है. हेयर द यूजफुल इंटरप्रिटेशंस कैन ओनली बी मेड इफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्टेटेड इन रिलेशन टू अ रेफरेंस ग्रुप. कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल्स एंड परसेंटाइल रैंक्स हेल्प इन डूइंग दिस. मेजर्स ऑफ और स्टैटिस्टिक्स like quartiles, decile, percentile and the like indicate some fixed points like median on the score scale below which a definition proportions of cases lie.
While in the case of median, the series is divided into two equal halves by the median score. जैसा कि हमें पता है, median score में series को दो equal halves में divide किया जाता है. In case of quartile, it is series is divided into four equal parts. In case of decile, it is divided into 10 equal parts. And in case of percentile, it is divided into 100 equal parts. In the case of quartiles, deciles and percentiles, the formula for the computation of quartiles, deciles and percentiles can be developed on the basis of the formula for the computation of median. जो हम median calculate करने में formula apply करते हैं, उसी का हम use करते हैं quartile, decile और percentile calculate करने में. Formula में पता है, median calculate करने के लिए जो हम करते हैं वो है md is equal to l plus n by 2 minus f upon f into i. Percentile के लिए हम ये apply करते हैं formula p is equal to l plus pn upon 100 minus f upon f into i. Computation of a particular percentile say p gives us a point on the scale of measurement, that is a score below which percent of the cases lie. Contrary to this, if we are provided with a specific score on the scale of measurement and are required to find out the percentage of cases lying below that score, then we are supposed to compute percentile rank of that specific score. In this way, percentile rank presents just the reverse picture of the percentile points. Percentile rank, as the name suggests, is essentially a rank or the position of an individual on a scale of 100, decided on the basis of the individual's own score. For ungrouped data, it is calculated by using the formula PR is equal to 100R minus 50 upon N, where R is the rank position of the score whose percentile rank is to be determined. In the case of group data, the percentile rank may be computed by the direct method or on the basis of interpolation without using a formula, and second by a generalized formula, that is PR is equal to 100 by N plus X minus L upon I into F. Both percentile points and percentile ranks may be easily read from the cumulative percentage frequency curves constructed from the respective frequency distributions by drawing perpendiculars on the curves. जो percentile और percentile ranks हैं, ये काफ़ी हमारा जो purpose fulfill करते हैं in the fields of education, psychology और sociology, and it helps in indicating the clear cut relative position of an individual with respect to some attribute in his own group. This knowledge further helps in drawing reliable comparison of the performances of two individuals or groups. The norms for useful interpretation, classification and comparison of various tests, scales and inventories can also be properly formulated with the help of these statistics. I think ki aapko samajh mein aa gaya hoga.